देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम मनाना तो ठीक है, लेकिन ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ये नजारा यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम का है, जहां उपायुक्त गिरीश अरोड़ा जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, ना तो नेहरू युवा केंद्र के किसी सदस्य ने और ना ही बच्चों ने मास्क लगाए हुए थे, जिसको देख डीसी साहब इतने गुस्से में आए, उन्होंने खुद बच्चों को मास्क पहनाया। या बच्चे सभी बिना मास्क नजर आए, लाइनअप नहीं था, आपने खुद करवाया आगे? देखिए, ये इस तरह के आयोजनों में थोड़ा बहुत हो जाता है, सभी यूथ हैं, और मास्क की जहाँ तक बात है, बच्चों ने जेब में रखे हुए थे, लेकिन इसलिए नहीं लगाए कि दौड़ते समय वो उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम में आज पूरे देश की तरह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए युवाओं में इतना उत्साह था कि वो कोरोना की तीसरी लहर को भूल गए। न सिर्फ युवा इसको भूले, बल्कि कार्यक्रम के आयोजक नेहरू युवा केंद्र के सदस्य भी ये भूल गए कि तीसरी लहर को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। हालांकि कुछ युवा ये कहते सुने गए कि दौड़ की वजह से सांस में दिक्कत आएगी, इसी वजह से मास्क नहीं लगाया, जिस पर उपायुक्त उन्हें समझाते रहे कि जब आप दौड़ना शुरू करोगे तब मास्क उतार सकते हैं। हमें रोज आधा घंटा सुबह उठकर अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और जो हमारा आज का स्लोगन है वो ये है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फ्रीडम में भाग लिया है, यह 75वें आज़ादी पर्व पर मनाया गया है, इसमें लोगों को फिट इंडिया रखने के लिए बोला गया है, जैसे कि हर रोज 30 मिनट के लिए हमें फिटनेस का ध्यान रखकर फिटनेस के लिए मतलब जो है, जैसे कि आज के हालात देखते हुए बहुत सारी बीमारियां चल गई है, लोग एक्सरसाइज और अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, तो इसका मोटिव यह था कि हम रैली के द्वारा लोगों को मोटिवेट करें कि हमको भी 30 मिनट निकाल के अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और फिट रहने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं का कहना था कि वो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज शरीर को स्वस्थ रखेगा और हम सबको अपने और परिवार के और आस पड़ोस के लोगों के स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब की केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।